प्रदेश भर में भूमाफियों के लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो वही सरबाड़, अजमेर और बरोड़ा क्षेत्र में गांवों में रोजाना अवैध उत्खनन देखने को मिल रहा है। खनिज विभाग की बड़ी अनदेखी के चलते खनन माफियों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। बोराना थाना में महज 500 मीटर की दूरी पर दांतरी रोड पर एक निजी खिदमत, वही दूसरी अवैध खदान मनोहरपुरा के लक्ष्मीपुरा गांव में चल रहा बाल क्रेसर प्लांट के निकट एक निजी खेत में चलाई जा रही है। बता दें कि बड़े स्तर पर अवैध उत्खनन किया जा रहा है और लाखों रुपए का फेल्सपार और कर्टस निकाले जा रहे हैं, जिससे खनन माफिया सरकार को लगातार लाखों का चूना लगा रहे हैं। यह दोनों ही अवैध खदानें करीब 150 फिट गहरी हो चुकी हैं, जो बड़े हादसे को न्योता दे रही हैं। इससे पहले ही बोरना के देवरिया गांव में बागरिया डाड़ी में चल रही अवैध उत्खनन की खबरें लगातार मीडिया ने दिखाई थी, और जिसके बाद भी खनिज विभाग हरकत में आया और बागरिया की डाड़ी वाली अवैध खदान को JBC डंपरों की मदद से मिट्टी का मलबा उस पर चढ़वा दिया और इसे बंद करवा दी। बता दें कि जो आज वापस शुरू हो चुकी है, और अब देखना होगा कि खनिज विभाग बोराड़ा के दात्री रोड पर चल रही अवैध खदान और मनोहरपुरा में लक्ष्मीपुरा गांव में चल रही अवैध खदान की क्या सुध लेता है, और इन दोनों अवैध खदानों को बंद करवाता है या फिर नहीं।